आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन बड़ा ही पावन पर्व है जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है, जो इस बार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। सभी बहनें सुंदर सुंदर राखियां अपने भाई के लिए खरीदती हैं और उसे अपने भाई की कलाई पर बांधकर उसके जीवन की रक्षा की कामना करती हैं। वहीं इस पावन पर्व के अवसर पर वार्ड नंबर 91 चंद्रमणि चोयला पट्टियों वाला देहरादून के पार्षद सुखबीर सिंह बटोला ने समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों तथा देशवासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं व बधाई दी। सुखबीर बटोला पार्षद चंद्रमणि से मेरी ओर से सभी भाइयों और बहनों को हमारा पवित्र रक्षाबंधन त्यौहार हमारे बीच में आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि इस त्यौहार को सादगी के साथ में मनाएं, और यही मैं कहना चाहता हूं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधन अभी हम थोड़ा सा इसको हम वृत्त स्तर पे वैसे हर बार मनाते थे, पर चूंकि अभी थोड़ा कोरोना काल चल रहा है इस कारण से थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अभी हम अपने परिवार के लोगों के साथ ही बैठकर इसको मनाएंगे। ज़्यादा व्यवस्था हमने इस बार नहीं कोई नहीं की है इसको। अभी 18 प्लस और 45 प्लस को सेकेंड डोज लगाने का काम चल रहा है। 18 प्लस को फर्स्ट डोज लग रही है और हफ्ते में पिछले हफ्ते 4 दिन हुआ था और इस हफ्ते 3 दिन हमारा कैंप लगा है, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को। तो लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। मेरा सभी नागरिकों से भी निवेदन है कि सभी लोग अपना कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि यही हमें कोरोना से मुक्त कर सकती है। यही मेरा संदेश भी आप लोगों के लिए। उत्तराखंड खबर चैनल का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा निरंतर वार्डों में जाकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर खबरों को उठाया जाता है और उनका संज्ञान लिया जाता है। मैं उत्तराखंड खबर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।